जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करेटोकोनस कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि करेटोकोनस में क्या होता है कि आपका ये बाहर जो है वो एपिथीलियम एब्डोमेन है, और ये जो स्ट्रोमा बहुत ज्यादा थिकन होता है ना, और डेस्मेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम, लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा, ये एपिथीलियम है, ये एब्डोमेन है, और यही जो है वो बहुत थिन हो जाएगा, कौन, स्ट्रोमा, एंड दिस इज डेस्मेंट एंड दिस इज योर एंडोथीलियम। तो ये बहुत ज्यादा थिन होने की वजह से ना बल्ज आउट करता है, और ये पूरी आंख को ना ऐसे बल्जिंग से कराते हैं, बंटे नुमा आंख बाहर आई थी, वो जो कंचे नहीं खेलते बचपन में उस तरह से लगती है आंख, और ऐसे लगता है अभी गिरी जाएगी, गिरती तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा क्या हुई होगी, बाहर की तरफ आई हुई होगी। तो क्रेटोकोनस के अंदर हमने क्या बताना है कि क्रेटोकोनस क्या बीमारी है, तो वो कहता है ये बेसिकली एक डिस्ट्रॉफी है कॉर्निया की, जिसमें आपका जो कॉर्निया का स्ट्रोमा होता है ना, उस स्ट्रोमल की बहुत ज्यादा क्या हुई होती है, थिनिंग। इस थिनिंग की वजह से आपका जो कॉर्निया है या आपकी जो आई बॉल है वो क्या हुई हुई होती है, बल्ज आउट हुई हुई होती है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ हमें लगता है कि आ रही है, ठीक है, प्रोट्रूजन हुई हुई है, और साथ में पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होगा। अगर मैं इसकी एटियोलॉजी बात करूं, तो एटियोलॉजी में आपने यही बात याद रखनी है कि जो स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा की डिस्ट्रॉफी होती है, सो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है जो बेसिकली क्या करती है, क्रेटोकोनस कॉज करती है। अब वो कह रहा है कि ये जो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, इसके कॉज की बेस के ऊपर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि ये आइदर तो प्राइमरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हुई है, ठीक है, प्राइमरी क्रेटोकोनस है, या सेकेंडरी क्रेटोकोनस है कि मसला कुछ और था लेकिन बाद में उस मसले की वजह से क्रेटोकोनस हो गया, या डायरेक्टली क्रेटोकोनस हुआ। अब डायरेक्टली क्रेटोकोनस क्यों होता है, ये इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कि और कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक था, एकदम से कॉर्नियल थिनिंग क्यों शुरू होगी, इडियोपैथिक हो सकता है, और ये फैमिलीज में रन करता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी बात करेंगे तो ये एसोसिएटेड हो सकता है सम हाउ ऑक्यूलर डिजीजेस के साथ, आपके पेपर में ऐसी क्यों में क्वेश्चन आता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन लिखे किस ऑक्यूलर डिजीज के साथ, ठीक है। सो वो कह रहा है कि सम ऑक्यूलर डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल कंजनाइटल डिजीजेस है, एनआयराइडिया है, यानी जिसके अंदर आयरिस का मसला है, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, या वो लोग के जिनको क्या है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस रहता है, उन लोगों के अंदर क्या हो सकता है बेटे, क्रेटोकोनस पाया जा सकता है। उसके अलावा सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है, या तो आई के मसलों के साथ या बॉडी के मसलों के साथ। बॉडी के कौन से मसले हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में पेशेंट को क्रेटोकोनस हो सकता है आगे चल के। उसकी बॉडी में क्यूटीनियसली जो है वो क्यूटीनियस डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि एटॉपिक डर्माटाइटिस है, तो उसमें भी कॉर्निया की थिनिंग एसोसिएशन पाई जा सकती है, या बॉडी के अंदर कहीं और, क्योंकि स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू है जो थिन हो रहा है, तो बॉडी में कहीं और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मार्फन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या एलर डेंड्रल सिंड्रोम, ये आपको लिखने को आते हैं। सो बॉडी में कहीं और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल मार्फन, जिसके अंदर कोलेजन सिंथेसिस ठीक नहीं होती, तो उस तरह का मसला हो अगर, तो उसके एसोसिएशन फिर आंख के कॉर्निया के स्ट्रोमा में भी पाई जा सकती है, ठीक है। सो क्रेटोकोनस क्या है कि जिसमें कॉर्निया का जो स्ट्रोमा है बेसिकली वो बेटे स्ट्रोमा थिन हो रहा है। वो क्यों थिन हो रहा है, क्योंकि कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है और कॉर्निया बल्ज कर रहा है, या तो इसका कॉज हमें नहीं पता, ये फैमिलीज में रन करता है, या ये ऑक्यूलर डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसके साथ, कंजेनाइटल एनआयराइडिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा के साथ, या एक्वायर्ड एलर्जिक के साथ, या सिस्टेमिक डिसऑर्डर है बॉडी में, कोई कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल ट्रिपल सी आ जाता है ना, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, क्यूटेनियस डिसऑर्डर, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ठीक है। सो तीन सीज जो है वो सिस्टेमिकली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर केराटोकोनस। अब बात आती है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यानी पैथोजेनेसिस में आपने सिर्फ ये बताना है कि आपका जो स्ट्रोमा है इसके अंदर बेसिकली बहुत सारा म्यूकोपोलीसेक्राइड और कॉलेजन फाइबर्स होते हैं, तो ये म्यूकोपोलीसेक्राइड एंड कॉलेजन फाइबर की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है, इसकी वजह से जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एपिथीलियम के आगे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है, और सॉरी पीछे बेसमेंट मेम्ब्रेन में फ्रेगमेंटेशन शुरू होती है, जो बोमेन मेम्ब्रेन है वो भी डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह स्ट्रोमल लेयर भी डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा थिन हो जाता है और ये बल्ज कर जाता है, जिससे पेशेंट को बाद में मायोपिया और एस्टिगमेटिज्म का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने कहा कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड कॉलेजन फाइबर की क्या है बेटे, डिफेक्टिव सिंथेसिस है। इस डिफेक्टिव सिंथेसिस की वजह से तीनों लेयर्स इफेक्ट होती हैं, एपिथीलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट क्रिएट होता है,
पीछे जो बॉमेन है और जो स्ट्रोमल लेयर है वो थिन होना शुरू होती है, और थिन की वजह से वो बल्ज करती हैं। इस बल्जिंग से एक तो पेशेंट को बल्जिंग होगी, नंबर टू बाद में मायोपिया हो जाएगा क्योंकि कॉर्निया आगे आ जाएगा, तो इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट होगी रेटना के ऊपर, किस तरह से हम रिफ्रेक्टिव एरर में पड़ेंगे, और साथ में पेशेंट को एस्टिगमेटिज्म भी शुरू हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs वगैरह में बहुत दफा आते हैं, मनसन साइन क्या है, सीजर साइन क्या है, रेगुलर रिंग्स क्या है, फिर वो फेशियल रिंग्स इसमें बनती है वो क्या है, तो ये साइंस आपने अच्छे देखने हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स के अंदर बेटे वो कहता है कि पेशेंट जो है वो यूजुअली इसका जो ऑनसेट है वो प्यूबर्टी में हो रहा होता है। तकरीबन 10,000 या 25,000 में एक बंदे को ये हो सकता है, और ज्यादातर दोनों आईज ही इफेक्टेड होती हैं, तो ये मोस्टली बायलेटरल होता है। अब अगर हम लोग बात करें साइंस की कि हमने पेशेंट का क्या देखना है, ठीक है, साइंस की या सिम्टम्स की, पहले सॉरी सिम्टम्स की बात है, तो सिम्टम्स में वो कहता है, पेशेंट ये कहेगा इंपॉर्टेंट चीज है पेन लेस विजुअल डिटोरिएशन है, मुझे दर्द नहीं है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आहिस्ता 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 मेरी नजर कमजोर होती जा रही है, ठीक है। सो पेन लेस प्रोग्रेसिव आपकी जो डिटोरिएशन है वो विजन है, स्पेशली नियर के लिए नहीं, फार फार के लिए, दूर मायोपिक होते हैं ना ये, हाँ दोनों के लिए बाद में, चूंकि पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी फार विजन जाती है, मायोपिक होते हैं, लेकिन बाद में ये एस्टिगमेटिक हो जाते हैं तो इनकी दोनों विजन जो है वो डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि पेनलेस विजन लॉस होता है, साथ में पेशेंट जो है वो फोटोफोबिक होता है और मोनोक्यूलर डिप्लोपिया भी हो सकता है, यानी वो कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसे लगता है दो दो चीजें नजर आती हैं, होती असल में एक है, सही है, और ये यूजली एक आंख के साथ हो रहा होगा, डिप्लोपिया वाला सिम्टम। साथ में वो कहता है कि बहुत दफा ऐसे होता है कि हमने कहा अभी कि ये एपिथीलियम है, ये बॉमेन है और ये स्ट्रोमल लेयर है, और जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है ना ये भी रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ना बहुत ज्यादा फ्लूइड आके ना ये स्ट्रोमा में ऐसे जमा हो जाता है, तो ये बाहर से ना एक हाइड्रॉप की फॉर्म लगता है, ऐसे लगता है कि उसके अंदर पानी का कतरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है आपके स्ट्रोमा के अंदर आके, क्यों, क्योंकि डेस्मेंट मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और पीछे से उसके अंदर फ्लूइड आके एंटर होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रॉप कहते हैं, तो ये भी नजर आ सकता है उसकी आंख के अंदर, मैं इसकी तस्वीर आपको भेजूंगी। सो पेनलेस विजन लॉस है, फोटोफोबिया है, डिप्लोपिया डबल नजर आता है, और हाइड्रॉप हो सकता है। अब आपकी बारी है, आपने इसको फॉरन इवेलुएट करना है, जब आपने इवेलुएट करना है तो नंबर वन कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट है, तो विजुअल एक्यूटी ऑब्वियसली बात है उसकी खराब है, और जाहिर है उसमें हमने कहा मायोपिया और एस्टिगमेटिज्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटे कि आप जब उसको ऑप्थेल्मोस्कोपिक पे देखते हो, ऑप्थेल्मोस्कोपी करोगे, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी पे आपको इंपॉर्टेंट साइन नजर आएगा जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट साइन, ये आपने याद रखना है, इनकी भी मैं तस्वीरें भेजूंगी, आपकी बुक में नहीं भरनी हुई, ठीक है। सो ऑप्थेल्मोस्कोपी पे आपको क्या नजर आता है, ऑयल ड्रॉपलेट साइन, ये किसका किसके सिग्निफिकेंट पॉइंट है, क्रेटोकॉनस का, किसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, क्रेटोकॉनस का। उसके बाद पता है क्या, एक होता है मनसन साइन, आपसे वाइवा में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मनसन साइन, आपने बताना है कि ये पेशेंट है, और जब मैं इसको कहता हूँ ना नीचे देखो, जब ये नीचे देखता है तो उसका ये जो आई बॉल होती है ये इतनी ज्यादा प्रोट्रूडेड होती है, ये आपकी बुक में बना हुआ है कि बहुत ज्यादा, जब हम लोग उसको कहते हैं कि वो लोअर गेज में देखेगा, ठीक है, हम उसको कहते हैं नीचे की तरफ देखो, जब वो लोअर गेज में देखता है तो उसकी जो लोअर आईलिड होती है ना वो बहुत ज्यादा क्या होना शुरू हो जाती है, बल्ज होती है, एंड जब मैंने उसको कहा ना नीचे देखो तो जाहिर है उसकी ये जो आई बॉल्स है ये तो ऑलरेडी प्रोट्रूडेड है ना, ये जो लोअर आईलिड होती है ना ये भी क्या होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, बच्चे कहते हैं जी आई बॉल प्रोट्रूड हो जाती है, तो पहले से प्रोट्रूडेड थी, फर्क ये आता है कि जब वो लोअर गेज में देखता है तो ये नजर आ रही है आईलिड कितनी प्रोट्रूड हो गई है, ऐसे लग रहा है आईलिड बाहर को आ गई है, ठीक है। सो जब वो नीचे देखेगा और आईलिड की प्रोट्रूजन होगी बाहर की तरफ तो इसको हम क्या कहते हैं बेटे, मनसन साइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने ऑप्थेल्मोस्कोपी पे ऑयल ड्रॉपलेट साइन देखा, जब आपने उसको कहा नीचे देखो डाउन गेज पे, तो डाउन गेज पे आपने मनसन साइन देखा जिसमें आईलिड बाहर को आ गई, फिर आपने क्रेटोस्कोपी की, और इस क्रेटोस्कोपी के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, इररेगुलर रिंग्स नजर आएंगे उसके कॉर्निया में, ठीक है। सो क्रेटोस्कोपी पे ये भी एमसीक्यू होता है कि फला इन्वेस्टिगेशन पे क्या नजर आया, क्रेटोस्कोपी पे क्या नजर आया, नीचे लिख देते हैं ऑयल ड्रॉपलेट, इररेगुलर रिंग या फिशर रिंग, तो उस टाइम समझ नहीं आती कि किस एग्जामिनेशन पे क्या साइन था। उसके बाद बेटे वो कहता है कि अगर आप रेटिनोस्कोपी करोगे तो रेटिनोस्कोपी पे आपको सीजर रिफ्लेक्स मिलेगा, उसकी आंखें ऐसे ना कैंची की तरह यूं यूं कर रही होती है, तो रेटिनोस्कोपी पे आपको क्या मिलेगा, सीजर रिफ्लेक्स मिलेगा, ठीक है।
अब वो कहता है कि साथ ही आप स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में और क्या मिलेगा? नंबर वन, आपको जो कॉर्निया है वो बहुत ही ज्यादा उसका स्ट्रोमा थिन हुआ हुआ होगा। नंबर टू, आपको ना बड़ी फाइन सी लाइंस मिलती हैं, उनको हम कहते हैं वॉगेट्स लाइन, और ये लाइंस जो हैं अपियर हो रही होती हैं स्ट्रोमा की इर्द गिर्द, और जब आप ना बाहर से एक्सटर्नली ग्लोब पे प्रेशर देते हो तो ये लाइन डिसअपियर होती हैं। तो आपने याद रखना है कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे मैं ये सारा रिवाइज करती हूँ। नंबर वन ये कि कॉर्निया आपको थिन मिलता है, स्ट्रोमा थिन मिलता है। नंबर टू, आपको वेगेट्स लाइन मिलती है, जब आप प्रेशर दोगे बाहर से तो ये लाइन डिसअपियर हो जाती है। नंबर थ्री बेटे, कॉर्निया के जितनी भी नर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और विजिबल होती हैं, आपको नजर आती हैं। नंबर फोर, आपको फ्लेशियर्स रिंग मिलती है। फ्लेशियर रिंग का ये मतलब होता है कि आपका ना आयरन जो है वो डिपॉजिट हुआ हुआ होता है एपिथीलियम में अराउंड द बेस ऑफ द कॉर्न, और वो आपको ऐसे फ्लेशियर रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा होता है, और सम टाइम आपको कॉर्नियल स्कारिंग भी मिल सकती है। सो ये वो सारे साइन हैं जो आपको केराटोकोनस में मिलते हैं। लास्ट बात हम ट्रीटमेंट की करते हैं, लेकिन ये साइन बेटे आपको सारे आने चाहिए। नंबर वन, विजुअल एक्यूटी रिड्यूस है। अगर मैं ऑप्थेल्मोस्कोपी करूंगी तो ऑप्थेल्मोस्कोपी पे मुझे क्या मिलेंगे? ऑयल ड्रॉपलेट मिलेंगे। खुद मैं उसको बोलूंगी डाउन गेज में देखेगा तो मनसन साइन पॉजिटिव है, जिसका मतलब है आईलिड बाहर को प्रोट्रूड करेगी। फिर बेटे मैं क्रेटोस्कोपी करूंगी तो क्रेटोस्कोपी पे मुझे इररेगुलर रिंग्स मिलेंगी। उसके बाद मैं रेटिनोस्कोपी करूंगी तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? सीजर रिफ्लेक्स मिलेगा। देन ऑप्थेल्मोस्कोपी पे मुझे ये पांच साइन मिलेंगे, यानी कॉर्नियल थिनिंग मिलेगी, मुझे उसके ऊपर वेगेट्स लाइन मिलेंगी, नर्व जो है वो विजिबल होंगी, फ्लेशियर रिंग मिलेगी जो आयरन डेपोजिशन अराउंड द कॉर्निया, और साथ में कॉर्नियल स्कारिंग भी मिल सकती है। पेपर में ना एक क्वेश्चन आ गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन आ गई, मैंने इतनी जोर लगाया दिमाग पे, इतना प्रेशर डाला कि काश मुझे ये दो वर्ड याद आ जाए। एक मुझे याद आ गया कि हम लोग करैटोमेट्री करते हैं। करैटोमेट्री की क्या सिग्निफिकेंस है? क्या मैयर करूंगी मैं? कॉर्निया की थिकनेस मेयर करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कॉर्निया कितना थिन हुआ है। और दूसरा बेटे, हम लोग कॉर्नियल टॉपोग्राफी करते हैं, ये बड़ी सेंसिटिव वो है, और इस एक सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम लोग अर्ली केराटोकोनस को वो कर लेते हैं, ये हमें बताता है कि कितना रिफ्रेक्टिव एरर आया है। ठीक है, सो हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉर्नियल टोपोग्राफी, ये मैंने बहुत पेपर में कोशिश की लेकिन जो याद नहीं आया। तो इसकी मदद से हम लोग थिकनेस मेजर करते हैं, और इसकी मदद से हम देखते हैं कि कितना रिफ्रेक्टिव एरर आया हुआ है अभी तक। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को मायोपिया होना है, बाद में स्टिगमेटिज्म होना है। नाउ लास्ट थिंग इज केराटोकोनस का ट्रीटमेंट। तो केराटोकोनस का ये ट्रीटमेंट है बेटे कि नंबर वन, तो हम लोग स्पेक्टिकल्स यानी कि उसको ग्लासेस देते हैं, क्योंकि वो मायोपिक हो रहा है, उसको नजर का मसला है तो ग्लासेस तो वो लेगा। नंबर टू ये होता है कि हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि वो रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस डाले। रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस जब आंख के आगे डालेगा तो थोड़ा आंख को सहारा हो जाएगा, वो जो बल्जिंग है वो थोड़ी रिड्यूस। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि हम लोग उसकी आंख के अंदर कुछ सिलिकॉन के इंटेक्स डालते हैं, और ये इंटेक्स भी कॉर्निया की रीशेपिंग में हेल्प करते हैं, और वो जो कॉर्निया की बल्जिंग है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये तो कॉस्मेटिकली इंप्रूवमेंट हो गई ना। अब फोर्थ चीज ये आती है कि हम लोग कॉलेजन क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। ये जो कॉलेजन CXR होती है, कॉलेजन क्रॉस लिंकिंग से यही होगा कि स्ट्रोमा की जो पावर है, जो उसकी थिकनेस है, वो थोड़ी सी दोबारा रीगेन होगी, वो जो आगे को गिरा हुआ है, वो जो बल्ज है उसको क्या किया जाएगा? रिड्यूस कर लिया जाएगा। और जो है उसके अंदर हम राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स कुछ इंसर्ट करते हैं, और यूवी रेडिएशन की मदद से हम लोग कॉलेजन को आपस में क्रॉस लिंक करते हैं ताकि हम स्ट्रोमा की पावर रिगेन कर सकें। मैम आपकी अगर आवाज नहीं, खराब फिर हम हो गई लोग मैम। लैमिलर क्रेटोप्लास्टी, अभी हम देखेंगे कि कॉर्निया की डीप लेयर क्रेटोप्लास्टी का क्या मतलब होता है। इसके अंदर हम जो डेस्मेंड मेम्ब्रेन है और एंडोथीलियम है उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो फुल थिकनेस क्रेटोप्लास्टी भी कर सकते हैं। फुल थिकनेस क्रेटोप्लास्टी में यही होगा कि हम कॉर्निया की सारी लेयर रिप्लेस करके उसको दोबारा से क्या करेंगे? रीजेनरेट कर लेंगे। और लास्टली हमारे पास ये है कि हमने कहा पेशेंट को एक्यूट हाइड्रॉप्स होते हैं ना, हाइड्रॉप्स अभी हमने कहा कि फ्लूइड आया हुआ होता है उसके उसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक, हाइड्रॉप्स के लिए बेटे आपने याद रखना है कि हम लोग बाहर से अल्ट्रासोनिक लाइन एचवी या ब्लेंडर कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं वो उसको दे देते हैं। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही? मैम आपका आवाज दरम्यान में बहुत नहीं खराब हो गई, ट्रीटमेंट पे हम सही नहीं आ सुन रही रहे हैं। आवाज जी? आपकी आवाज नहीं आ रही? बच्चे पहले बड़े शौक से आते हैं, फिर बीच में इंटरेस्ट लूज करते हैं, फिर भाग जाते हैं। नहीं आवाज आ रही, मुझे बताओगे? नहीं तो कैसे पता चलेगा? है
बीमारी उनके मैम कंडीशन। आपकी आवाज दरमियान में बहुत खराब हो गई, इसलिए हमें ट्रीटमेंट पे कोई समझ नहीं आया मैम। अच्छा मैं ट्रीटमेंट दोबारा बता देती हूँ, आसान सा ट्रीटमेंट है, मैं दोबारा बता देती हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है जो रहते थे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में बेटे आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पेक्टिकल्स देंगे ना, क्योंकि हमने कहा कि पेशेंट को क्या है, मायोपिया होता है पहले, उसकी विजन खराब होती है, सबसे पहले ये कंप्लेन है ना, और बाद में एस्टिगमेटिज्म होगी, तो हम लोग क्या देंगे, ग्लासेस देंगे ताकि वो बेचारा ठीक तो देख सके। अब आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है अभी भी नेट का मसला हो रहा है, एक सेकेंड। आपकी बात ठीक आ रही है। ठीक है, तो नंबर वन बेटे हम लोगों ने क्या देना होगा, स्पेक्टिकल्स देने हैं, स्पेक्टिकल्स देने से उसकी विजन बेचारे की ठीक होगी, ठीक है। नंबर टू बेटे हम लोग उसको कहते हैं रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस ले ले, जो कॉन्टेक्ट लेंस है ना थोड़े थिकंड कॉन्टेक्ट लेंस ले ले, वो थोड़े सख्त होते हैं। अब वो जो आंख के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस डालेगा तो वो थिकंड होते हैं ना, रिजिड होते हैं, तो वो आंख को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी ना, जो कॉर्निया बिल्कुल बाहर आ रहा है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। तो एक हमने स्पेक्टिकल्स दिए, दूसरा हमने रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस दिए, तीसरी चीज हम ये करते हैं कि इंटेक्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं इंट्रा कॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स कुछ होते हैं, ये टाइनी से इंसर्ट्स होते हैं, ये भी हम लोग जो है वो जब कॉर्निया में डालते हैं तो ये इंटेक्स भी ना कॉर्निया को रीशेप में, जो कॉर्निया यूं हुआ है ना, ये इंटेक्स या इम्प्लांट्स डालने से कॉर्निया की रीशेपिंग होती है, तो उसको कॉस्मेटिकली जो वो बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आ रही थी गंजों की तरह, वो थोड़ी बेटर हो जाती है, ठीक है। सो स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस देते हैं, इंटेक्ट्स डालते हैं। फिर हम मसले को देखते हैं कि मसला क्या था, कि आपका जो कॉलेजन है ना वो बहुत ज्यादा थिन हुआ हुआ था, तो हम ना कॉलेजन की आपस में ऐसे 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 क्रॉस लिंकिंग कराते हैं ताकि वहां पे थिकनेस दोबारा से रीगेन की जा सके। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये सर्जिकल प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, अंडर सर्जरी हम लोग करते हैं, और उसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, राइबोफ्लेविन वगैरह ये हम यूज करते हैं, और उसके अलावा हम और टेक्निक्स यूज करके कॉलेजन को आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे आप सिर्फ क्रॉस लिंकिंग बताते हैं, दिस इज मोर देन इनफ। सो क्रॉस लिंकिंग करके हम स्ट्रोमल थिकनेस को रीगेन करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं किया जा सकता तो फिर हम क्रेटोप्लास्टी करते हैं, यानी हम कॉर्निया रिप्लेस कर देते हैं, चूंकि वो कॉर्निया इतना थिन है, वो बल्ज हुआ हुआ है, तो क्रेटोप्लास्टी में हमारे पास दो ऑप्शन है, या डीप लेमुलर क्रेटोप्लास्टी, या फिर हम फुल थिकनेस क्रेटोप्लास्टी, यानी पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर देंगे। डीप लैमिलर में हम लोग जो है वो डेस्मंड मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम को रिप्लेस करते हैं ताकि पीछे से हम सपोर्ट दे सके, और फुल थिकनेस में हम पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर देते हैं। तो हम पेशेंट को स्पेक्टिकल दे सकते हैं, रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस दे सकते हैं, इंटेक्स दे सकते हैं, कॉलेजन क्रॉस लिंकिंग कराते हैं, या केराटोप्लास्टी, आइदर डीप और या फिर फुल थिकनेस, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि आखिरी चीज ये कि हमने कहा था फ्लूइड आ जाता है स्ट्रोमा में, हाइड्रॉप्स आ जाते हैं, तो ये हाइड्रॉप्स जो है इनके लिए हम हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो या पैचिंग या बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंसेज दे सकते हैं ताकि हम हाइड्रॉप जो है उसको मिनिमाइज कर सके। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो इसकी वजह से कॉर्निया के अंदर स्कारिंग वगैरह और कॉर्निया हमेशा के लिए आपकी वही उसमें जा सकता है, या फिर जो हाइड्रॉप होता है ना, हाइड्रॉप जब बनता है तो एकदम से आपकी डेस्मंड मेम्ब्रेन रप्चर होती है, फ्लूइड आता है, तो बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है वो पेशेंट के लिए, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्लियर। सो इंटरस्टीशियल केराटाइटिस, स्ट्रोमल डीजेनरेशन, केराटोपैथी, नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल।